वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालना है, और साथ साथ आपको यहां पर इनिशियल वेलोसिटी और इनिशियल एक्सेलरेशन भी फाइंड आउट करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस प्रॉब्लम की, जहां हम जानते हैं वेलोसिटी को डिफाइन किया जाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट dx by dt, at plus bt square minus ct cube, वेलोसिटी a, डिफरेंशिएशन t की पावर 1 प्लस b, डिफरेंशिएशन t स्क्वायर माइनस c, डिफरेंशिएशन t क्यूब, इसे ऐसा कहा जा सकता है। वेलोसिटी t की पावर 1 को लिखा जा सकता है 1 प्लस b इंटू टी स्क्वायर, टी स्क्वायर को आप लिख सकते हैं जो भी पावर हो उसमें से 1 लेस कर दीजिए 2 माइनस 1, t की पावर क्यूब, और t क्यूब को लिखा जा सकता है 3t 3 माइनस 1, v इक्वल टू a प्लस 2bt 3ct स्क्वायर, ये आ चुका है आपके पास एक्सप्रेशन ऑफ वेलोसिटी। अगर इस एक्सप्रेशन में t की वैल्यू 0 पुट अप की जाए तो हमें इनिशियल वेलोसिटी मिलने वाली है। तो देखिए ध्यान से, t की वैल्यू 0 पुट अप कीजिए, a प्लस 2b मल्टीप्लाई बाय 0 माइनस 3c इंटू 0 का स्क्वायर। सो वेलोसिटी को लिखा जा सकता है a मीटर पर सेकंड। नाउ एक्सेलरेशन की डेफिनेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, तो हम इसे लिख पाएंगे dv बाय dt, डिफरेंशिएशन वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है a प्लस 2bt माइनस 3ct स्क्वायर, a इक्वल टू डिफरेंशिएशन a डिफरेंशिएशन 2bt और डिफरेंशिएशन 3ct स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन यहां कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होगा, 2b डिफरेंशिएशन t की पावर 1 माइनस 3c डिफरेंशिएशन t स्क्वायर। नाउ t की पावर 1 मतलब 1 होने वाला है, और 3c t की पावर 2, तो हमें पता है डिफरेंशिएशन t की पावर n में जो भी पावर होती है वो कोफिशिएंट बन जाती है और उसमें से 1 लेस कर दिया जाता है। तो a कहा जा सकता है 2b माइनस 6ct t की पावर 1। अब देखिए यहां पर क्या है, जब आप t की वैल्यू 0 पुट अप करेंगे, व्हेन यू विल पुट अप 0 वैल्यू ऑफ t, तो कहा जा सकता है a इक्वल टू 2b माइनस 6c इंटू 0, सो a विल बिकम 2b मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमारे पास एक्सेल वेलोसिटी आ चुका है a मीटर पर सेकंड और एक्सेलरेशन आ चुका है 2b मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो कुल मिला के हमने सीखा, पहले डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी निकालो, वेलोसिटी निकालने के बाद उसमें t की वैल्यू 0 पुट अप करो, 0 वैल्यू का सीधा मतलब है इनिशियल वेलोसिटी, और अगर मान लीजिए आपने वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकाला और एक्सेलरेशन में t की वैल्यू 0 पुट अप की, तो t की वैल्यू 0 पुट अप करने का मतलब इनिशियल एक्सेलरेशन होगा, और इस तरह से इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकाला। पुरोहित एकेडमी मेन ब्रांच प्रभात चौक MJ कॉलेज रोड लोकमान्य हॉस्पिटल च्या बाजूला जळगाव आणि पांडे क्लासेस जवळ बंधन बँकेशेजारी ट्रॅफिक गार्डन च्या समोर जळगाव